एक्चुअली मैम मोर प्रिपेरेसन फर्स्ट फाउंडेसन स्टार्ट 2019 बट आफ्टर दैट कोविड होगा मुझे डिस्ट्राक्ट हो गली तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करदेली जेंडर स्टडीज इन रमा देवी तो मोर पीजी सरला 2022 जुलाई रे आफ्टर दैट मुझे भाविली कि ठीक अच्छे मुझे प्रिपेरेसन करी तो टच रे अच्छे जेंडर स्टडीज भी टच थिला से सहित जी एस सहित तो मुझे कह ठीक अच्छे आस आउे गोटे थोड़े ट्राए करी तो मुझे प्री दे तो प्री पर मत मेन्स प्री पर मैं प्री मैं ये कन्फिडेन्स कि प्री क्लीयर हो तो देन अनवर्ड्स मोर ऑप्शनल उपरे काम बहुत करी जी एस कारण टिके टिके मोर थिला कि टच हम सेटा सेल थ्रू कर देबी बट ऑप्शनल मते बहुत डर लागला कारण मो पढ़ी ही नथिले किछि तो सोशियोलॉजी पई मो मोस्टली मॉक टेस्ट नबा को आसथिली इन द लास्ट मोमेंट रे सुब्रा रंजन जो न ऑलरेडी 4टा मॉक टेस्ट सरी जाइतला डिस्कशन क्लास थिला मो आसीथिली सेना नबा पई तो से डिस्कशन क्लास रो मो जेतिके नोट्स करी थिली बट गोटे आईरनी थी कि सोशियोलॉजी रो पेपर वन केवल फर्स्ट पेपर रे यूनिट वन रो यूनिट सिक्स तक क्वेश्चन बहुत अधिक आसला तो सर मतलब बहुत हेल्प होता तो सेकेंड ऑप्शन मोर होम साइंस थिला सेल्फ मोर सब सेल्फ प्रिपरेशन ही थिला तो होम साइंस कह गले जमती कि से कहले कि रिप्रेजेंटेशन और लिखा स्टाइल और कंटेंट तुम बहुत काम आसे बहुत पिला अच्छा कारण होम साइंस पेपर बहुत ही लेंदी लगे पिला बट से एक्चुअली क्वेश्चन 60 मार्क्स ऑलरेडी 5, 15, 20 रे डिवाइडेड होके अच्छे गोटे पिला चाहिए कंटेंट अनुसार आराम से इजिली कवर अप कर पार बट से गोटे मु प्लस पॉइंट थी कि मु कंटेंट उपर बेसी फोकस कर सबू सिनेरियो रे जमीक आंसर राइटिंग ओनली पॉइंट व्वज लिखनी कि ओनली पाराग्राफ वाइज लिखनी जोटा तुमको लगुच पॉइंट व्वज आम कभर करदेक कर बस मिक्सड आप्रोच कर कि पाराग्राफ ही तुम लिख के स्टडीज दि स्कीम्स दि जमी पेपर टू रे होम सैंस स्कीम दरकार होता एक्सटेनसन स्टडीज्रे थिंकर्स मानक लिख मे बी सैटा अप्सनाल सिलेबस ना बट तक आडअन करवा दरकार डायग्रामेटिकाली रिप्रेजेंटेशन करवा दरकार जमीन मोर 60 मार्क्स गोटे क्वेश्चन मुझे एकदम से डायग्रामेटिकाली ही लिखी थी किसी मुझे लाइन्स पाराग्राफ किसी भी मुझे आड करनी तो से गोटे मुझे कह रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपैक्टफुल मानने ये सब जिनस Thank you.